भरतपुर पर्यटन एवं देवस्थान विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। चंबल के पानी का वादा किया था, आज डिग शहर को चंबल का पानी मिल चुका है। सीवरेज के लिए 113 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को डिग अग्रवाल सेवा संस्थान की ओर से कामा गेट स्थित लाला वाले कुंडा स्थित भवन के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज परिवार हमेशा जनता की सेवा में रहा है, हमारा काम धर्म और जाति से उठकर जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही डिग में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का दौरा होगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलेगा। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जाति धर्म पार्टी से उठकर क्षेत्र के विकास में एकजुट रहने के लिए लोगों से आह्वान किया और विकास में सहयोग करने की बात कही। इससे पूर्व मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भवन के मुख्य द्वार पर फीता काटकर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पंकज गोयल को मुख्य अतिथि द्वारा अग्रवाल समाज के भवन की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को चांदी का मुकुट व 51 किलो का फूलों का हार पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। अग्रवाल समाज की धर्मशाला पिछले 40 साल से जो हमने सरकार को कुछ दिनों के लिए आरएसी के रहने के लिए दी थी और आरएसी जिस पर 45 साल से कब्जा किए हुए थे, उस धर्मशाला को खाली कराने के लिए समाज की 30-35 साल से मांग चल रही थी और उस मांग को महाराज साहब ने जब अभिषेक जयंती के दिन यहाँ समाज में पधारे तो उन्होंने तुरंत आईजी साहब से बात की और आईजी साहब को ये आदेश दिया कि ये धर्मशाला एक दिन में खाली हो जानी चाहिए। उस महाराज साहब के आदेश पर ये धर्मशाला 2-3 घंटों में ही खाली हो गई, जिस पर समाज में काफ़ी हर्ष रहा और पूर्ण समाज महाराज साहब का स्वागत करने के लिए उत्सुक था। इसलिए महाराज साहब के उनके समाज के लिए किए दिए गए योगदान को फलस्वरूप ये स्वागत सम्मान समारोह आज समाज के लिए रखा गया, जिसमें विराट कप सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। देख देख के जब मैं आ रहा था यहाँ के डीग के महलों के सामने गाड़ियों की कतार खड़ी थी, निश्चित रूप से जो पर्यटन विभाग ने इतना बड़ा महोत्सव बनाया सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ, अब जो व्यक्ति भरतपुर आ रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है सीजन की, वो डीग के महलों को देखना चाहता है। समस्याएं अनेक हैं, पानी तालाबों में चाहिए, सड़कों की रिपेयर चाहिए, सीवरेज के लिए तो पैसे का इंतजाम करा दिया है, लेकिन मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अब विश्वास तो हो गया होगा काम जो मैं कहता हूं करता। आपने अभी कह रहे हैं मैडम, ये भी कह रहे थे भूषण जी, देखो आपने 4 बजे तक